खबर है कि रूस और यूक्रेन जंग के बीच दुनिया भर में हथियारों की मांग बढ़ गई। दावा है कि रक्षा से जुड़े हथियार और दूसरे उपकरण बनाने वाली अमेरिकी कंपनी बोइंग और लॉकहीड मार्टिन से कई देश हथियारों का सौदा कर रहे हैं। और इसी कड़ी में जर्मनी ने भी बोइंग के साथ CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर को खरीदने का सौदा किया। बताया गया कि इसके अलावा भी दोनों के बीच कई लड़ाकू विमानों की खरीदारी पर बातचीत चल रही है। खबर है कि जर्मनी ने बोइंग से 60 चिनूक हेलीकॉप्टरों को खरीदने की डील की है। बताया गया कि जर्मनी अब अपनी सेना को मजबूत करने के लिए $107 अरब खर्च करेगा, जो भारतीय रुपयों में करीब 8.25 लाख करोड़ रुपए हैं। दावा है कि जर्मनी ने 2020 में भी बोइंग और लॉकहीड के साथ कई सौदे किए थे, लेकिन बाद में उसने डील को महंगा बताकर रद्द कर दिया था। लेकिन अब जब रूस और यूक्रेन के बीच जंग चल रही है तो जर्मनी ने फिर बोइंग के साथ लड़ाकू विमान और दूसरे हथियारों का सौदा करना शुरू कर दिया है, ताकि वो अपनी सेना की ताकत को और बढ़ा सके। यही नहीं, दुनिया के दूसरे देश भी अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने में जुट गए हैं। दावा है कि कई देश बोइंग और लॉकहीड मार्टिन के साथ लड़ाकू विमानों और हथियारों के लिए लगातार बात कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि कुछ देश चाहते हैं कि जंग लंबी चले, ताकि इसकी आड़ में हथियारों का कारोबार जमकर हो। बताया गया कि लॉकहीड मार्टिन जल्द कुछ देशों के साथ मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम से जुड़ी कई डील कर सकता है। खबर है कि दुनिया के कई देश उससे PAC-3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम की खरीद को लेकर बातचीत कर रहे हैं। दावा किया गया कि बीती 30 मई को दक्षिण कोरिया ने इसी से जुड़ी एक डील को मंजूरी भी दे दी। खबर है कि इस मिसाइल सिस्टम को खरीदने की होड़ इसलिए भी लगी हुई है क्योंकि ये क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ढेर करने की ताकत रखता है।